अगर अब इनकी पैंट खोल के देखोगे ना, इनके कच्चे फटे हुए हैं, इनके कच्चे फटे हुए हैं, तब भी नीतीश कुमार और लालू यादव चिल्लाते रहेंगे। अरे हम यादव है, हम ललुआ को देंगे, चाहे ललुआ हमें हमारे बाले उड़ाई के लिए चला जाए, चाहे ललुआ हमारे चड्डी उतार ले जाए, चाहे ललुआ हमको नौकरी दे ना दे, चाहे ललुआ हमारा कपड़ा उतार दे, लेकिन देंगे तो ललुआ के। क्यों देंगे? क्योंकि भैया जब तक समोसे में रहेगा लालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन लालू यादव कम से कम अपने समाज के लोगों का जो पैसा खा के नौकरी के नाम पे खाया, उन्हें तो वापस कर दे। वो रो रहे, अपना हक मांग रहे, लेकिन अब तो उन्हें बख्श दे भाई लालू यादव, अब बख्श दे। 2014 से पहले हिंदू था कि नहीं था? सना बताइए कि नहीं था? रामचरितमानस था कि नहीं था? आपने कहा 2014 से पहले हिंदू था या नहीं था? मैं कह रहा हूँ हिंदू नहीं था। अगर हिंदू होता तो वक्फ बोर्ड जब बना तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? सुनो मेरी बात। अगर हिंदू था तो मंदिरों को जब कब्जे में लिए थे तो मस्जिदों को और चर्चों को कब्जे में क्यों नहीं लिए गए? अगर हिंदू था तो क्या कहते हैं जब हमारे मुसलमान भाइयों को, उनको उर्दू पढ़ा सकते हैं, क्रिश्चियनों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तो हिंदुओं को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकते? इस बात का जवाब है आपके पास? है आपके पास? आप लोग अंधे बनने का नाटक कर रहे हो, ये सब जानती है जनता। आप लोग ओ धर्म की, ये भी पता कौन रहे जो जाति की राजनीति कर रहे हैं? जो जाति की राजनीति कर रहे हैं वो बता रहे धर्म की राजनीति है? जो जाति की राजनीति है वो इन्होंने ना एक पट्टी बांध रखी है, इन्होंने एक पट्टी बांध रखी है, इन्होंने सोच रखा है कि जान पूछ के हम पट्टी बांध करेंगे। और ये बात आप कॉन्सेप्ट समझिए, इनको इनको पता, अगर वोट चाहिए, इनको अगर एक वोट चाहिए तो लोगों को जातों में तो बटाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए, मैं बहुत फैक्चुअल चीजें बोल रहा हूँ, आप ब्राह्मण हो, मैं दलित हूँ, अगर आपको ब्राह्मणों की पार्टी चाहिए तो आप दलितों को गाली देंगे, और अगर दलितों की पार्टी बनानी है तो ब्राह्मणों को गाली देंगे। अब इनका कॉन्सेप्ट है, अगर 2024 में अगर इलेक्शन में जीतना है तो किसी ना किसी जात को तो गाली देनी पड़ेगी ताकि किसी जात का फायदा हो। अगर मुसलमानों को गाली देंगे तो मुसलमानों को गाली दे नहीं सकते क्योंकि वोट बैंक है। क्रिश्चियनों को गाली देंगे, क्रिश्चियनों को गाली देने से कोई फायदा ही नहीं है। सिखों को गाली दे नहीं सकते। अब हिंदू में किसे गाली दे? अगर हिंदू को गाली देंगे तो 100 करोड़ हिंदू हैं यार। अगर दलितों को गाली देंगे तो दलितों को भी नहीं दे सकते, ओबीसी को भी नहीं दे सकते, किसे दे? किसे दे? ब्राह्मणों को देंगे, ठाकुरों को देंगे, बनियों को देंगे, जो जनरल कैटेगरी के ना उन्हें गाली देंगे। ओबीसी एससी एसटी सारा अपना, सारा क्या कहते हैं वोट बैंक अपना, सारा वोट बैंक, सारा वोट बैंक अपना। इनकी पॉलिटिक्स समझिए, और अगर जो पॉलिटिक्स नहीं समझ पाया वो बेकार है। रवीश कुमार, आप कभी रवीश कुमार की वीडियो देखना, रवीश कुमार जब 35 टुकड़ों में लड़की की हत्या होती है ना तो कहते थे इंसिडेंट केस है, ये एक्सीडेंट है, हर कोई क्राइम ऐसा करता है। लेकिन जब मैंने एक केस सुना था कि एक कोई ठाकुर, मतलब किसी के नाम के आगे चौहान लगता था, उसने एक लड़की का बलात्कार करा, और बलात्कार बहुत गंदा होता है, वो कोई मर्द नहीं करता, वो तो सब हिजड़े करते हैं। जब बलात्कार करा तो पता क्या लिखा था रवीश कुमार ने कि एक राजपूत समाज ने यादव समाज की लड़की को बलात्कार कर लिया, एक हैवान ने बलात्कार करा, पूरे हिंदू समाज को टारगेट कर दिया, पूरे जाति समाज को टारगेट कर दिया। रवीश कुमार सर एकदम, ये लोग मैं आप भी समझिए, इनके अगर अब इनकी पैंट खोल के देखोगे ना, इनके कच्चे फटे हुए हैं, इनके कच्चे फटे हुए हैं, तब भी नीतीश कुमार और लालू यादव चिल्लाते रहेंगे। एक बात बताऊं, एक मिनट, इनसे पूछो भाई साहब, तुम्हें आज कोई बिहारी बोल देना तुम्हें गाली देता है, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं है। वही ये क्यों बोला जाता पता है? क्यों तुम गाली खा रहे हो आज? क्यों? अरे तुम्हारा बिहार भी बहुत समृद्ध था भाई, वही बिहार है जो मगध था, जो दुनिया को भाई अपनी चमक दिखाता था, एक से एक विद्वान बिहार में पैदा होते थे। लेकिन आज बिहार में क्या हो गया कि भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, जंगल माफिया पैदा होते, शराब माफिया पैदा होते, शिक्षा माफिया पैदा होते, दंगाई पैदा होते, सनातन विरोधी पैदा होते, पुल माफिया पैदा होते, सड़क माफिया पैदा होते, ये क्यों पैदा हो रहे? आज बिहार में ईमानदार इसलिए नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि हम लोग जाति में बटे हैं। हम भाई पंडित है, हम उसको वोट देंगे। अरे हम यादव है, हम ललुआ को वोट देंगे, चाहे ललुआ हमें हमारे बाले उड़ाई के लिए चला जाए, चाहे ललुआ हमारे चड्डी उतार ले जाए, चाहे ललुआ हमको नौकरी दे ना दे, चाहे ललुआ हमारे कपड़ा उतार दे, लेकिन देंगे तो ललुआ के। क्यों देंगे? क्योंकि भैया जब तक समोसे में रहेगा लालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अरे नहीं भाई, बिहार में लालू नहीं, अब ना है समोसे में लालू और अब ना रहेगा बिहार में लालू। क्योंकि भाई अपना हक मांगो, अपनी शिक्षा मांगो, अपनी उसी आरजेडी जिसकी बात आप कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, उसी पार्टी के आते हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि खेत जो है सो ठाकुरों की है, उसके बाद फसल भी ठाकुरों की हो जाती है, सब कुछ ठाकुरों की हो जाती है, तो इस ठाकुरवाद को जो है सो खत्म करना है। क्या उन्होंने सही कहा? देखो मनोज खां साहब झा नहीं है, खां हैं,
तो मनोज खान साहब सुनो, खेत ठाकुर का लड़का, ठाकुर का रणभूमि में बलिदान हुआ वो लड़का ठाकुर का, जो विधवा हुई वो ठाकुर की पत्नी, माताएं बहने, जो ठाकुर का सर धर से उठा वो ठाकुर का बेटा। अरे सब कुछ बलिदान दे दिया ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, क्यों दिया? क्योंकि भाई वो अपने धर्म के लिए थे, वो जाति के नाम पे बटे होते ना तो ठाकुर कभी भी सबके लिए लड़ने रणभूमि में नहीं जाता। वो इसलिए लड़ने जाता था क्योंकि वो सबके लिए, उस समय यादव भी थे, बनिया भी थे, हर कास्ट थी। ठाकुरों ने अगर अपने लिए लड़ा होता ना तो आज ठाकुरों की संख्या कम नहीं हुई होती। आज ठाकुर राज करते पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में। ठाकुरों ने अपना बलिदान दिया, क्यों दिया? क्योंकि हिंदुस्तान को बचाया। वही ठाकुर थे ना, आपने पद्मावत मूवी देखी है? देखी है ना, अलाउद्दीन खिलजी जाता है, मार देता है राजा को, लेकिन उनकी जो बीबियां होती हैं वो जोहर कर लेती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई बाहर से आके अलाउद्दीन खिलजी हमारे बदन को हाथ लगाए। इसलिए भाई ठाकुर और पंडित बनिया जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति है, इन्होंने अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। राम भगवान के वंशज हैं ये, राम भगवान वही है, जान चली जाए पर वचन न जाए। ठाकुरों को तो भाई पक्के होते अपनी जुबान के, इनके अपने वचन से कभी नहीं हटते। लेकिन ये लालू यादव यादव है ना, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, लेकिन लालू यादव कम से कम अपने समाज के लोगों का जो पैसा खा के नौकरी के नाम पे खाया है उन्हें तो वापस कर दे। वो अब रो रहे, अपना हक मांग रहे, लेकिन अब तो उन्हें बख्श दे भाई लालू यादव, अब बख्श दे। 565 रियासत ठाकुरों का, 18,700 किलो सोना ठाकुरों का, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ठाकुरों का, और फिर तब जाकर अखंड भारत बना ठाकुरों के बलिदानों से, त्यागों से। ठाकुर जब जन्म लेते हैं तो उनके माता यही सिखाती है कि राष्ट्र के लिए मरना है, अपने धर्म के लिए मरना है, पहले राष्ट्र के लिए, और त्याग बलिदान। जब भी राष्ट्र पर खतरा आती है तो ठाकुर के माँ बाप अपने बच्चों के 12-12 साल के बच्चों को तिलक लगाकर रणभूमि में फेंक देती है कि जा अपने समाज को सुरक्षित कर। ये है ठाकुर के बलिदान। ये याद हो क्या बताएंगे ठाकुर के बलिदान का? पूछो। अभी इसने कहा ना जो सोना ठाकुर का, हमने जमीन दिया, हमने पूरे अखंड भारत की त्याग किया, इसके पास में था। लेकिन आपको अटल जी के बारे में बता रहा हूँ, अटल जी तो बीजेपी के थे ना। अटल जी ने कहा, आज ही कहता है कि बख्तियार खिलजी आ गया, तैमूर लंग आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया, मोहम्मद गौरी आ गया, मोहम्मद गजनी आ गया, देश को लूटा, अंग्रेज आ गया, डच आ गया, फ्रांसीसी आ गया, पुर्तगाली आ गया, देशों को लूटा। इसी मुद्दे पर स्वर्गीय और देश रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पलासी की लड़ाई के बारे में, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1757 पलासी की लड़ाई बंगाल में, तो उन्होंने कहा था कि ये समाज को दो वर्गों में बांटा गया था, मार्शल और नन मार्शल। अटल जी ने कहा अगर बहुसंख्यक समाज को अगर हथियार उठाने का अधिकार होता तो यह लॉर्ड क्लाइव यहाँ से अंग्रेज सत्ता नहीं करता, कोई मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान नहीं आता, कोई अकबर बाबर नहीं आता, कोई हुमायूं नहीं आता, कोई जहांगीर देखने यहाँ नहीं मिलता आपको, भाई बोले कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू जी, तो आपका तो जाति का जनगणना ही नहीं हो पाएगा। मैं करवाऊंगा भी नहीं, मैं जातियों में नहीं बटूंगा, मैं भाई सनातनी हूँ। हमें तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया और तोड़ा गया, जिसमें ये लोग सफल भी हुए, लेकिन अब तो हम जागरूक हो गए, अब तो हम समझदार हैं, अब तो हम जाति में नहीं बटनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को अपने नाम के पीछे सनातनी लगाएंगे या तो हिंदू लगाएंगे। बस जब आप नहीं बटेंगे ठीक है, लेकिन सरकार जो जातिगत जनगणना करा रही है बिहार में हो भी गया है, उसके बाद अगर यदि आप कह रहे कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे ही नहीं तो आपको सरकारी लाभ ही नहीं मिलेगा, सुविधा ही नहीं मिलेगा। हमें नहीं चाहिए सरकारी सुविधा, हम अपना, अब देखो कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दिया ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे, झुंझला ही लाओगे। लालू यादव हमें तोड़ रहा है, सनातनियों को बांट रहा है। आप सुनो, इनकी जवाब लो, जवाब। 2014 से पहले हिंदू था कि नहीं था, सनातन बताइए कि नहीं था, रामचरितमानस था कि नहीं था, है था कि नहीं था? लेकिन जलाने वाला नहीं था 2014 से पहले। धर्म की राजनीति से देश का भला नहीं होगा साहब, धर्म की राजनीति से एजुकेशन सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, स्वास्थ्य आगे नहीं बढ़ेगा, किसान। एक मिनट, देखो पहले सनातनी खतरे में था कांग्रेस के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सनातनी खतरे में था। क्यों? इसलिए खतरे में था, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, इराक बना, बांग्लादेश बना। अरे भाई खतरे में नहीं था,
तो कैसे हमारा सिस्टम से अलग हो गया? अरे हम खतरे में थे भाई जब हम टूट गए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, एक सच्चा प्रधानमंत्री सनातनी आया है जो हमें अब टूटने कभी नहीं देगा। और योगी बाबा, हमें तो बहुत पढ़ाया गया कि भैया चरखे से आजादी आई थी। अरे हमने तो बुलडोजर से शांति देखा, जब बाबा का बुलडोजर आतंकवादियों दंगाइयों के घर पर चढ़ता है ना, तब जाके शांति मिलती है। चरखे से शांति मिलती ना तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कभी नहीं बना होता। चरखे पे मत जाइए, चरखा अब खत्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने ये कहा कि 2014 से पहले हिंदू था या नहीं था। पहली बात, मैं अभी भी आपके कैमरे पे क्या कह चल रहा हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं सारी चोर हैं।